91.9 फ्रेंड्स एफएम बैक टू बैक दो गाने आपने सुन लिए। मेरा नाम अनिमेश है और अब मैं कॉल करने वाला हूँ MJ5 डांस ग्रुप को। जी हाँ, आपको याद होगा MJ5 ग्रुप ने इंडिया डांसिंग सुपरस्टार का खिताब जीता था 2013 में और अब वे नजर आ रहे हैं स्टार प्लस के डांस चैंपियंस में। तो उनके साथ बातें होनी चाहिए। MJ5 के कार्तिक को मैं फोन लगाने वाला हूँ। चलो नंबर घुमाओ भाई। हेलो, हाय कार्तिक, दिस इज आरजे अनिमेश कॉलिंग फ्रॉम फ्रेंड्स एफएम कोलकाता। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है कि आप सभी इस वक्त रॉक कर रहे हो। आप थैंक यू सो मच, आप फॉलो कर रहे हैं डांस चैंपियन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं फॉलो कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या, इनफैक्ट पूरा कोलकाता फॉलो कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। कार्तिक हमारे साथ इस वक्त है, कार्तिक हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त, हम उनको देख रहे हैं इस वक्त पूरी MJ5 को देख रहे हैं हम डांस चैंपियंस में। तो कार्तिक, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है सबके साथ इंटरेक्ट करने को। बिल्कुल कार्तिक, आपको बधाई देना चाहूंगा सबसे पहले कि आपने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। इनफैक्ट MJ5 ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता है। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। जी हाँ, बातें जब हो रही है आज तो हम MJ5 के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे, आपके फैंस जानना चाहेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए MJ5 कैसे फॉर्म हुआ, सबसे पहला सवाल। सबसे पहले ही ऐसे कुछ फॉर्म हुआ कि हम लोग कॉलेज में, मेरा ड्रीम था कि एक डांस टीम हो, तो मैंने एक डांस टीम क्रिएट करी थी और मैं उसमें सिखाता था। तो जब मैं सिखाता था तब उस दौरान मैं बाकी अपने मेंबर्स से मिला। दो मेरे कॉलेज जूनियर्स थे और दो थे जिनको मैं क्लासेस देता था। तो फिर मुझे ये सबसे बेस्ट बनने लगे जिनके साथ मुझे लगता था सबसे बेस्ट क्रू जो बन पाएगा, उसमें थे रोहित, विष्णु, हिमांशु और डेनिस। तो कॉलेज के दौरान कॉलेज कॉम्पिटिशन करते हुए धीरे 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 फिर हमने ये वाला ग्रुप बनाया और अपने कॉन्सेप्ट रखा कि हम पांचों ही माइकल जैक्सन को इम्पर्सनेट करते हुए, अपना स्टाइल उसमें इंक्लूड करते हुए कुछ नया करेंगे। तो हमने फिर टीम बनाई थी 2013 में। बिल्कुल 2013 में जो वो टीम बनी थी और वो टीम जो विनर बनी थी इंडिया डांसिंग सुपरस्टार का, वो सबका दिल जीता था। कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, इंडिया डांसिंग सुपरस्टार। मुझे लगता है उस प्लेटफॉर्म ने आपके और पूरे MJ5 के जितने मेंबर्स हैं सभी के करियर को एक यूटर्न दिया होगा, एक नई जर्नी शुरू हुई होगी आपकी। कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इंडिया डांसिंग सुपरस्टार MJ5 के लिए एक ब्लेसिंग था, क्योंकि वो शो ने हमारी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी, हमारी लाइफ चेंज कर दी, हमें एक पर्पस दे दिया, हमें एक मिशन दे दिया, विजन दे दिया लाइफ के अंदर। और वो जब शो हम जीते थे तब हमें बहुत ही ज्यादा प्यार मिला था हमारे देश से, और इतनी पॉपुलैरिटी किसी डांस ग्रुप को नहीं मिली थी जितनी MJ5 को मिली थी। और तब से ही हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम लोगों को इतना प्यार मिलता है जनता से तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम ग्रेटफुल हैं इस चीज के लिए। बिल्कुल। और कार्तिक, जब आपके साथ बातें हो रही तो किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बातें होनी चाहिए, तो ये बचपन से ही उनके उनके डांस को फॉलो किया करते थे आप सभी, या आप फॉलो किया करते थे? कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली मेरा बड़ा भाई बहुत ही बड़ा फैन होता था माइकल जैक्सन का, तो मैं देखते देखते एक दिन मैंने देखा किसी एक ऐसे इंसान को ये जो गा भी रहा है, डांस भी कर रहा है और जनता लड़कियां बेहोश हो रही हैं, तो बिल्कुल मैं इतना इंस्पायर हो गया। और फिर उसके बाद हर टाइम मैं उनका कुछ भी कॉन्सर्ट आता था, सो आई यूज्ड टू गो एंड गेट सीडी एंड वॉच द मूव्स, मून वॉक्स चेक करता था, सारे पूरा कॉन्सर्ट 10-10 बार देख रहा हूँ, वैसे ही डेवलप हुआ है। बिल्कुल, मैंने भी उनके कॉन्सर्ट देखे हैं और जहाँ तक मैंने देखा जो वीडियोस देखे हैं कि लड़कियाँ हो या लड़के हो सब बेहोश हो जाते थे, फिर सिक्योरिटी का उठा के उनको ले जाते थे। उनकी एंट्री के टाइम पे वो लोग हार्डकोर फैंस जो होते थे वो लोग बेहोश हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माइकल जैक्सन की जितनी हम तारीफ करें, मुझे नहीं लगता कि माइकल जैक्सन कोई और नेक्स्ट माइकल जैक्सन बन सकता है, उनके जैसा कोई नहीं है। वैसे डांस चैंपियंस की भी बातें होनी चाहिए, इस वक्त सभी के दिलों को जीत रहे हैं आप लोग, अभी थोड़ी देर पहले रिहर्सल प्रैक्टिस भी चल रही थी, कुछ बताना चाहेंगे? डांस चैंपियंस अगेन, एक्चुअली में डांस चैंपियंस अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर सबसे गुड क्वालिटी और गुड डांसिंग अगर किसी शो में हो रही है तो फिर मेरे ख्याल से डांस चैंपियन भी है, क्योंकि हर एक दावेदार यहाँ पे खतरनाक है। तो उसमें भी हमें बहुत ही मजा आ रहा है MJ5
हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने को मिल रही है और हमें खूब सारा प्यार मिल रहा है डांस चैंपियंस के बाद. लोग हमें वो मोटिवेट करते हैं, लोग चाहते हैं हम लोग जीते ये शो. बिल्कुल बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि एमजे फाइव को जीत हासिल हो एक बार फिर से 2013 के बाद. वैसे मुझे बताइए, हिमांशु, डेनिस, रोहित की बातें करें, विष्णु की बातें करें, इन 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 सबके साथ जब आप लोग रिहर्सल करते हैं, एमजे फाइव जब रिहर्सल करती रहती है, सबसे फनी फनी कौन है इसमें, मजाकिया कौन है? सबसे ज्यादा फनी इस ग्रुप में मैं खुद ही हूँ और मेरे बाद है हिमांशु जी. तो लाइट मोमेंट्स में आप लोग क्या किया करते हैं जब जब रिहर्सल नहीं कर रही थी, मेहनत नहीं कर रहे, क्या क्या किया? जब हम लोग रिहर्सल नहीं कर रहे होते तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हंसी रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, या फिर कभी कभार वर्कआउट कर रहे होते हैं, कभी कुछ खाने चले जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, वो ही सब कुछ. क्या बात है. वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कार्तिक की, जैसे ही कंफर्म हुआ कि आप आपके साथ एमजे फाइव पूरी टीम के साथ हमारी बातें होगी, तो बहुत सारे फैंस ने आपके लिए, आपके पूरे पूरे ग्रुप के लिए सवाल पूछे. दो चार सवाल मैं शेयर करना चाहूंगा. मैं जानना चाहूंगा सबसे क्रेजी फैन आपको अभी तक कोई मिला है या एमजे फाइव को मिला है, कुछ मेमोरीज है हमारे साथ? जरूर, एक काफी क्रेजी फैन जो हमें मिली थी, वो उन्होंने हमारे लिए एयरपोर्ट पे वेट करा था कुछ 6-7 घंटे और वो हमारे लिए चॉकलेट्स और कार्ड और विशेज लेके आई थी खूब सारी. तो दो लड़कियां थी वो, तो वो एक काफी हमें लगा कि यार हमारे लिए किसी ने सारी रात वेट करा एयरपोर्ट पे ताकि वो हमें हमसे मिल पाए. तो उस वो एक मोमेंट था काफी जो टचिंग था. क्या बात है. वैसे कार्तिक, अभिषेक ने एक सवाल पूछा है. हम सब देखते हैं कि जब एक डांस ग्रुप फॉर्म होती है या फिर एक बैंड फॉर्म होता है तो कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. तो कभी आप लोगों के बीच में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा हो, हिमांशु, डेनिस, रोहित, विष्णु, किसी ने कुछ कहा हो आप लोगों को, आपको या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई? एक्चुअली हमारे साथ ऐसा कुछ, जब हमने स्टार्टिंग में ये क्रू फॉर्म करा था तो मेरे साथ एक और लड़का होता था श्रेय खन्ना, जो अब अलग हो गया है, हमारे क्रू से अलग हो गया है और वो अपना खुद की कुछ तो कर रहा है दिल्ली में. तो हम लोग मतलब इस बात के ओवर है, हम लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल हेट नहीं रखते या कुछ रखते. बट अभी जो मेरी टीम है जिसमें डेनिस है और हिमांशु, रोहित और विष्णु है और कार्तिक है, ये हमारी टीम बहुत ही हैप्पी है. हम लोग हंसी मजाक करते हैं, हम लोग छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं बट वो ऐसे कुछ सीरियस नहीं होते, फन वाले होते हैं. तो ये वाली टीम मुझे एकदम परफेक्ट लगती है. क्या बात है. वैसे एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा इंडिया डांसिंग सुपरस्टार के बारे में. अक्षय कुमार आए थे, सुना तो वो कुछ इनको छोड़ के भी या इन्होंने कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया हो एमजे फाइव को जो आपको याद है, किसी और सुपरस्टार ने दिया हो, किसी कॉमन मैन ने? हमें एक बार रितेश सर ने हमें एक बार कहा था कि अगर माइकल जैक्सन जिंदा होता तो वो हम पांचों से बहुत प्राउड फील करता और जरूर अपने शो में हमें लेके जाता. क्या बात है. एक बार उन्होंने, अक्षय सर ने ये बोला था कि हम लोग दिल्ली के, उन्होंने एक तो दिल्ली की तारीफ करते हुए ये बोला था कि दिल्ली के लड़के तो होते ही क्रिएटिव हैं. ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा याद रहेगी, राइट? ये हमेशा मेमोरीज याद रहेंगी. ओके, मुझे बताइए अभी क्या आप लोगों की प्लानिंग चल रही है, डांस चैंपियंस को कितना सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि अब फाइनल्स बहुत नजदीक है, तो कुछ बताना चाहिए. अब हमारा एम सीधी सी बात है, अब हमारा एम है ट्रॉफी जीतना, इंटरनेशनल लेवल परफॉर्मेंस. क्या बात है. और मुझे, आप जैसे कई सालों से आप डांस सिखाते भी आ रहे हैं, तो कार्तिक कुछ कहना चाहेंगे जो बडिंग डांसर्स हैं, जो कोलकाता में भी ऐसे बहुत सारे बिल्कुल हैं, जो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये सोचा है कि डांस चैंपियंस के बाद मैं पर्सनली वर्कशॉप्स लूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सब मेरी वर्कशॉप अटेंड करें और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक मेगा क्रू बनाएं जिसमें हम लोग जो भी ऑडिशंस करके हम लोग सारे डांसर्स मिलके एक और ग्रुप बनाया जाए बिल्कुल फ्रेश. क्या बात, कुछ डांसिंग कुछ देना चाहेंगे, एक अच्छे डांसर की पहचान क्या होती है? मैं एक डांसर की अच्छी पहचान, सबसे पहली चीज तो मैं ये चाहूंगा कि लोग अपनी फिजिकल कंडीशनिंग हमेशा अपने आप को फिट रखें और दूसरी चीज ये कहूंगा कि डांस एकदम दिल से करें. और कई लोग डांस के करियर को चूज करने से पहले काफी सोचते हैं, डरते हैं. आप मेरे ख्याल से निडर होके डांस को, दिल से डांस को अपनाओ और मेहनत करते जाओ तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही, पॉजिटिव ही होगा. बिल्कुल. वैसे कार्तिक, ये जो प्लेटफॉर्म जो मिल रहे हैं डांस के, इतने रियलिटी शोज आ गए या दूसरे इससे नए नए टैलेंट्स को भी शोकेस करने का समय मिल रहा है, मौका मिल रहा है. बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमारे कंट्री में ब्लेसिंग है कि हमारे कंट्री में कुछ ऐसा अवेलेबल है बॉम्बे में.
लोग इतनी मेहनत करते हैं बिहाइंड द सीन्स, सबको क्रेडिट है। क्या बात है कार्तिक, जाते जाते अपने फैंस से कुछ कहते हैं, ये MJ5 ऑन बिहाफ ऑफ MJ5 सभी से कुछ कहना चाहते हैं? ऑन बिहाफ ऑफ MJ5 हम पांचों की तरफ से हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं थैंक यू सो मच हमें वोट करने के लिए इतने सारे कोलकाता, वी लव यू गाइस, और हमें प्लीज विनर बनाने के लिए हमें वोट करें। हमारा वोटिंग कोड है 1800-8439-803 और इस नंबर पे आपको सिर्फ एक मिस कॉल देनी है, प्लीज हमें वोट कीजिए और हमें डांस चैंपियन, 2-time वर्ल्ड चैंपियन बनाने में हेल्प कीजिए। बिल्कुल, मैं और एक बार रिपीट करना चाहूंगा 1800-8439-803। मैं अभी तुरंत मिस कॉल देने वाला हूँ और पूरा कोलकाता मिस कॉल देने वाला, पापा कसम सच कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बात है कार्तिक, थैंक यू सो मच MJ5 टीम को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह हम चाहेंगे कि और भी बहुत सारे ट्रॉफीज और भी बहुत सारे रियलिटी शोज आप लोग जीते। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you so much. ये थे हमारे साथ नन अदर देन MJ5 डांस ग्रुप के कार्तिक, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स FM पे स्टार प्लस पे। डांस चैंपियंस देखना ना भूलिएगा और कार्तिक और उनके पूरे ग्रुप यानी कि MJ5 को वोट देना मत भूलना। 91.9 फ्रेंड्स FM, फ्रिक्वेंसी फ्रेंड्स की।